दिखाई नहीं देता क्या? गाड़ी के साथ साथ रोड भी खरीद ली है। मैं आपसे बात कर रही हूं। गाड़ी चलाने नहीं आती तो गाड़ी क्यों चलाते हैं? मिस्टर, मैं आपसे बात कर रही हूं। लगता है आपको दिखाई के साथ साथ सुनाई भी नहीं देता। कुछ हो जाता तो अब होने को तो बहुत कुछ हो सकता है, अगर आप चाहें तो। अपनी छोटी बहू के लिए नाश्ता बना रही है। हाउ स्वीट। मम्मी जी, आपके लिए ना मुझे बहुत बुरा लगता है। अब देखिए ना, एक तो आपकी तीन तीन बहुएं हैं, ऊपर से चौथी भी आ गई है, लेकिन फिर भी आप किचन में एड़ियां घिसे जा रही हैं। हाउ सैड। अब देखिए ना, इस घर में आप चुपचाप रहती हैं, दबे पांव चलती फिरती हैं, डरी डरी सी रहती हैं। 30 साल की शादी में आप बिल्कुल ट्रेजेडी क्वीन बन के रह गई हैं। लेकिन ये सब आपके कर्मों का फल है, इसलिए तो इस घर में आपकी कोई अहमियत नहीं है, कोई आपकी बात ही नहीं सुनता। अरे सुहास, अरे भैया, चाय नहीं मिलेगी क्या? अभी लाए डैडी जी। जल्दी कीजिए ना मम्मी जी, डैडी जी वेट कर रहे हैं। लाइए, मैं ले जाती हूं। क्यों आप सुबह सुबह अपनी शक्ल दिखा के डैडी जी का दिन खराब करना चाहती है? क्यों, रिलैक्स है? गुड मॉर्निंग डैडी जी। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। अरे डैडी जी, आपकी नो शुगर कम दूध वाली चाय, हाई फाइबर वाली बिस्किट्स और ब्लड प्रेशर की दवाई। वाह बेटा, बहुत ख्याल रखती है तुम्हें। अरे एक तू ही तो है जो मेरा ख्याल रखती है। कम ऑन डैडी जी। तो अब आप लॉयर बनना चाहते हैं, इसलिए लॉ की किताब पढ़ रहे हैं, है ना? नहीं बेटा, वो कानून की जानकारी हासिल कर रहा था। कभी कभी कुछ होता रहता है ना, तो कानून तो पता होना चाहिए। सच सच बताइए, क्या बात है? कोई बात नहीं बेटा, तू क्यों परेशान होती? एक तो बेटा कहते, ऊपर से कहते तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता। चलिए, बहू के नाते ही बता दीजिए, क्या प्रॉब्लम है? दरअसल मैं रजत की वजह से परेशान हूं, औरंगाबाद में एक नेग्लिजेंस के केस में फंस गया है। नेग्लिजेंस का केस? रजत भाई इसमें कैसे फंस गए? फंस नहीं गए, बल्कि उसने वाकई ऐसा काम किया है।
पेशेंट के ऑपरेशन में लापरवाही बरती और पेशेंट ऑपरेशन टेबल पर मर गया। उसके घर वालों ने नेग्लिजेंस का केस किया है और इससे बड़े अफसोस की बात यह है कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ। पापा जी, रजत कह रहे थे कि इस बार उनकी गलती नहीं थी। मैं कैसे मान लूं? मैं अपने बेटे को अच्छी तरह जानता हूं। डैडी जी, समझे आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व। हाँ सच, मैं पापा से बात करती हूँ। आप तो उनकी पहुंच जानते हैं, वो रजत भैया का केस यूं खारिज करवा देंगे और फिर रजत भैया संजीवनी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना बेटे? लेकिन प्यारी जी, अब आप टेंशन मत लीजिए वरना आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। कम से कम मुझे इतना हक तो दीजिए कि मैं आपके चेहरे पे मुस्कुराहट ला सकूं। अरे रजत कहाँ है? सबने नाश्ता कर लिया, वो कहाँ है? दादी वो अपने कमरे में है। दादी माँ, मैं बुला लाती हूँ रजत भैया को। नहीं बेटा, छोटी बहू जेठ के कमरे में नहीं जाती। अरे रहने दो, आ जाएगा अपने आप। साहबजादे सो रहे होंगे अभी तक। डैडी जी, आप भी ना, इतनी लंबी ड्राइव करके आए, वो थक गए होंगे, आराम करने दीजिए ना उन्हें। ठीक है, चलो। जूही बेटा आओ नाश्ता कर लो। इतना मंथन के कहाँ चली? संजीवनी, न बड़ों से इजाजत लेने की फिक्र, ना कोई अदब। राहुल, जीती रहो बेटा, रजत का भी आशीर्वाद ले लो। जूही, ये हैं हमारे चेट जी, रजत भैया। पेचू, अरे अरे क्या करें, इट्स ओके। मैं चलती हूँ, मुझे तेरी हो रही। ओके बाय जूही। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।